Assalamu alaikum Aziz Tulba, school based assessment 2024-25 English grade 6 first term ka guest paper aapke saath share karne ja raha hu, to chalte hain sabse pehle objective part ko dekhte hain. Pehla MCQ hai, what is the gender of poetess? Iska B option sahi hai, feminine. Dusra MCQ hai, finish the puzzle was a piece of cake. To piece of cake ka maani batana, C option sahi hai, easy. Tisra, which of the following is an abstract noun? A option sahi hai, coverage. Chauthe ka A option sahi hai, the man with the hat is my father. Panchwan, I will study for the exam dash take a break. Iska A option sahi hai, then take a break. Chhata, the panda is in danger of. C option sahi hai, dying out. Satwan batana, who found the lost pen? To who kya hai? To iska A option sahi hai, interrogative hai. Aathwan, identify the sentence with the helping verb used in it. C option sahi hai, they are sleeping. Aage, novan, identify the sentence in the simple future tense. A option sahi hai, he will play football today. Aage, dasvan, choose the sentence with SVN, subject verb noun structure. To iska C option sahi hai, Salman writes books. Ab subjective part ko dekhte hain. तो इसके अंदर आपको तीन सवाल आने, आप देख सकते हैं एक पैराग्राफ 10 सेंटेंसेस का ऑन स्कूल बैग और इसके अलावा दो और टॉपिक में वो भी मैं आगे आपको बताता हूं। उसके बाद ये एक पैराग्राफ है, इसको आपने पढ़ना और इसके नीचे सवाल है उनके जवाब आपने बताने हैं। और तीसरा जो आखिरी सवाल है ना 12वां, ये तस्वीरों को देखकर आपने बताना होता है, लेकिन इसकी जगह अक्सर स्कूल के अंदर वो चेंज करवा देते हैं सवाल को, स्टोरी लेटर एप्लीकेशन आपको दे देते हैं, तो वही आपने लिखनी होती है। इसलिए आखिरी सवाल का मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जो ऊपर वाले दो सवाल है, तीन पैराग्राफ और तीन टेंथ सेंटेंसेस वाले पैराग्राफ, दोनों आपको बताऊंगा। तो चलते हैं इनके जवाब बात की तरफ। तो जो अभी पैराग्राफ मैंने आपको दिखाया उसके ये आंसर आप लोगों के सामने आ गए हैं, आप इनके पढ़ सकते हैं। पहला, गुड मेंटल हेल्थ हेल्प्स स्टूडेंट्स फोकस एंड लर्न बेटर इन स्कूल। यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके जवाब हैं पाँच सवालों के। आइए बाकी पैराग्राफ देखते हैं। आगे देखें जी, इसी तरह का एक पैराग्राफ, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर। तो ये आपने पैराग्राफ पढ़ लेना, ट्रूथफुलनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराग्राफ है, नीचे इसके सवाल लिखे हुए हैं और इनके जवाब आप लोगों ने ये देने और नीचे जवाब भी लिखे हुए हैं, तो इनको आप याद कर लें। इसी तरह एक और पैराग्राफ भी आपके सिलेबस के अंदर शामिल है, यूर हार्ट डज अमेजिंग थिंग्स डे इन एंड डे आउट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ है, ये नीचे आपको सवाल नजर आ रहे हैं और इन सवालों के जवाब इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। ये 13 नंबर का सवाल आएगा। इसके बाद राइट अ पैराग्राफ ऑन 10 सेंटेंसेस ऑन द, पहला पैराग्राफ है द गार्डनर ऑफ माई स्कूल। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप कहीं और से भी याद करना चाहें कर सकते हैं और यहाँ से भी करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद एक और पैराग्राफ 10 सेंटेंसेस का ऑन स्कूल बैग, तो ये जवाब भी आपके सामने, इसको याद कर लें, 10 नंबर का सवाल है। इसके बाद एक और पैराग्राफ 10 सेंटेंसेस का और वो है पोस्टमैन, तो ये पोस्टमैन वाला पैराग्राफ भी आपके सामने, इसको भी याद कर लें। तो बस यही तीन पैराग्राफ है जिनमें से आपको एक पैराग्राफ लाजमी पेपर के अंदर आएगा 10 नंबर का, और इसी तरह जो पीछे मैंने आपको तीन पैराग्राफ सवाल जवाब वाले दिखाएं उनमें से भी एक लाजमी आएगा 13 नंबर का। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।